हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? मज़े में हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ आपकी दुआओं से। और यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो मुझे किसी ने पूछा था कि वेट लॉस के लिए आप क्या कर रहे हो अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज करने के बाद गर्म पानी करके नींबू डाल देती हूँ उसमें आधा, और बस उसको निचोड़ के गर्म पानी का पूरा गिलास पीती हूँ। जी हाँ, ये मेरा सुबह का रोज़ का रूटीन है। थोड़ी बहुत कभी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, बाकी तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक्सरसाइज करूँ। जब कभी भी जल्दी उठ जाती हूँ तो कर लेती हूँ, बाकी तो नहीं हो पाती है। उसके बाद यहाँ बना दिए मैंने चाय, मम्मी और पतिदेव जी को दे दूँगी, थोड़ी सी एक घुटक रखूँगी तो मैं बाद में पीऊँगी इसको, क्योंकि मैंने अभी जस्ट पानी पिया है। तो हाथों हाथ पानी पीने के बाद तो चाय किसी को ओबियसली अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि पेट गर्म पानी से ही हमारा भर जाएगा। जी हाँ, और यहाँ बच्चों के लिए भी मैंने चाय दूध कर दिया था, गर्म चाय नहीं दूध ही पीते हैं। तो चेरी तो फटाफट फिनिश करके मतलब दूसरी मांगता है, और अभी आप मेरे घर की हालत देखो, पूरा ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मैं आज आपको सुबह से ही वीडियो में लाने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ, और यह सारा कच काम होने के बाद में बच्चे चले गए हैं बाहर खेलने के लिए। मम्मी भी थोड़ी देर मैंने बोला उसको बाहर टहल ले, क्योंकि गांव में रहते हैं ना तो यहाँ अच्छा नहीं लगता है घर के अंदर उनको बैठे बैठे, तो मैंने उसको बोला तू भी बाहर टहल ले, अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं बिस्तर रख के आ गई हूँ ऊपर, वैसे भी मेरी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत तो वैसे हो ही जाती है, थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद वहाँ ऊपर से आते टाइम मुझे प्याज की इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, तो मैं इनको लेके आ गई हूँ और इनको साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ हमारी छोटी भी आ गई है। जी हाँ, तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में बोला था कि छोटी आ जाएगी कल, तो ये 10:30 बजे ही आ गई है। जी हाँ, क्योंकि 6:30 मॉर्निंग में हमारे वहाँ से बस आती है, तो बस उसी में अगर बैठ जाओ तो टाइम से हमारे यहाँ पहुँच जाते हैं। टाइम तो लगता है, 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। और बच्चे देखो लिपट गए हैं दोनों ही आते ही, और किट्टू बोल रहा है कि तू ये मुंह क्यों बांध के आई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पहले मुंह खोल फिर मैं तेरे गले लगूंगा। तो यहाँ रियल वॉइस भी थी, लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि रियल वॉइस कट हो गई और मुझे मेरी आवाज़ करनी पड़ी, पर क्या करूं। तो खैर, यहाँ बच्चों की खुशी और छोटी की खुशी तो देखने लायक थी, क्योंकि छोटी बच्चों से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, दोनों से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, और बच्चे भी छोटी से बहुत ज़्यादा ही जुड़े हैं। तो यहाँ हमारी आ गई है छोटी, मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते आ गई, तो फिर मैंने इसको मतलब वीडियो शूट करने के लिए गई सामने, क्योंकि अभी स्पेशल डे चल रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा। और मैं अब इसको बोल रही हूँ कि हाय हमारी छोटी आ गई है। तो देखिए, आपने जो कल ब्लेसिंग दी थी कल वाले वीडियो में, तो आज आपको थैंक यू बोलेगी हमारी छोटी मुँह से। जी हाँ, तो वही मैं इसको बोल रही हूँ कि तू कल वाले वीडियो में सबने तुझे ब्लेसिंग दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया है, तो तू भी धन्यवाद बोल दे सभी को। तो ये सभी को धन्यवाद बोल रही है, लेकिन वो मैं बोल रही हूँ ना कि रियल आवाज़ का पता नहीं क्या हो गया, मुझे रियल आवाज़ मिली नहीं, कट हो गई शायद, इसी वजह से मुझे बाद में वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो चलिए यहाँ बना लेती हूँ मैं खाना, छोटी आ गई है हमारी, तो बहुत ज़्यादा तैयारी भी करनी है, क्योंकि टाइम कम है और बहुत तैयारी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मैं दे देती हूँ छोटी को पानी, पानी पिला देती हूँ, थक गई है। और अभी तो बोला ना स्पेशल है, तो इसको बैठे बैठे ही सारा कुछ मिलेगा। और यहाँ से कुछ चीज़ें लाई है जो मतलब डिसाइड कर रहे हैं क्या पहनना है, क्या पहनना है, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, तो बस वही पूरा दिन निकलने वाला है आज का। तो आप वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही, ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ मज़ेदार बातें भी होगी, इंटरेस्टिंग होगा ही होगा यार वीडियो, तो आप देखा करो पूरा, स्किप ना करा करो। और उसके बाद नहा धोवा के मैं आ गई हूँ ऊपर, कल से ही इन पौधों के बारे में सोच रही थी, बेचारे गर्मी बहुत लग रही है, बारिश के दिन आ गए तो इनको भी थोड़ा सा बारिश में रख देती हूँ, तो कल से ही मैं सोच रही थी। तो आज मैंने नहा धोवा के सबसे पहले यही काम किया, क्योंकि हमारे पौधों को भी बारिश की पानी लगेगा तो ये भी थोड़े हरे भरे हो ही जाएंगे, इसी वजह से मैंने इनको बाहर रखा है, क्योंकि वहाँ चद्दर आ जाते हैं ऊपर से बालकनी वाले, तो इनको इतना पानी लग नहीं पाता है। और अभी पानी का मौसम है, आपके घर में अगर पौधे कहीं छुपा रखे हो तो बारिश की वजह से आप बाहर ज़रूर रखना, बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा। तो छोटी गई है हाथ बनवाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो ये काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में वो आ जाए, फिर देखते हैं क्या तैयारी है। और यहाँ मशीन भी मैंने चालू कर दी है, इसके जैसे कपड़ों का क्या हाल हो रहा है।
ये देखिए बिखेरा कर दिया इन्होंने, मैं ऊपर से आऊँ तब तक और टाइम 1 बज गए हैं और अब ये महारानी हाथ बनवा के आई है। देखिए ले हाथ दिखा, ये देखिए हाथ आगे आगे अधूरा रह गया और इसको भूख लग गई। हाँ मैं बोलवा ली थी मैं रोटी खाई जा, तेरे हाथ दिखा दिखा तेरे हाथ दिखा ले। तो जी हाँ मैंने इसको पास में ही हाथ बनाते हैं भाभी अच्छे, तो मैंने इसको ये आते ही कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद मैंने इसको बोला तू पहले हाथ बनवा के आ जा। तो ये देखिए सगाई के लिए दीदी सा रेडी होने लग गए हमारे, बहुत ही प्यारी मेहंदी बनाई है भाभी ने। और यहाँ चेरी भी बोल रहा है कि मुझे भी हाथ में मेहंदी लगाओ, मुझे भी हाथ में मेहंदी लगाओ। आएंगे इसके बनाने दे दे, अपन के कौन पड़ा है यहाँ कपड़ा है ये रहा अपना कौन का, ये रहा अपना कौन, ये बनाएंगे अपन दिन में बनाएंगे। बार हो रहा है बेचारा कि मेरे नहीं हाथ बनना है। चलिए अब खा लेते हैं खाना फिर देखते हैं अब क्या करें। पहली बात तो मन रही जूस बनानी है। हेलो जी, तो अभी दिन का टाइम हो रहा है, मेरा नेट जो 2 GB नेट है वो अभी 2 या 2:30 बजे ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सुबह से कोई उपयोग नहीं किया था। तो फिर मैंने सोचा इसको वेस्टेज नहीं करते हैं और रील्स बनाई जाए इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि मेरे पास पुरानी है सारी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो फिर इसी वजह से मैं रेडी होके आई थी ऊपर और छोटी को लाई थी, वो उसने बना दी वीडियो क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लगी, फिर भी मैंने उसको 2-3 वीडियो बनवा ली है। और अब चलते हैं नीचे। और ये साड़ी पहनी थी मैंने आपको, पहले मैं साड़ी दिखा देती हूँ, वैसे आप रील्स देखोगे ही देखोगे, ये देखिए। और इसके साथ ये मैचिंग चूड़िया इयररिंग और ये छोटा सा पोता पोती। यहाँ मम्मी ने बना दी है चाय, पसीने से हालत ख़राब हो गई, 2-3 दिन तो बारिश हुई और आज जैसे ही वीडियो बनानी थी तो पसीना पसीना हो गया, 2-3 भी वीडियो मुश्किल से नहीं बनी है। और ये देखिए यहाँ पर हाथ बन गए हैं, वो मम्मी लगी शायद क्लेचर भी टूट गई है। हाँ चला वहाँ छः आठ एक शायद। यहाँ देखिए अकेले अकेले पी जा रही चाय, मेरी चाय का पड़ी मारे चाय है मारे घर में हरी है भाई रे, चाय पीती जा रही और मेहंदी निकल भी गई देखे, अभी तो कुछ भी कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, कलर बाद में आएगा, अभी अभी लगाइए ना। चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। यहाँ देखिए मेहंदी लग गई है हाथों में, दोनों चंगू मंगू सोए हैं, मैंने इसके पैर में लगा दी है मेहंदी, ये काम मुझसे करवा दी है। देखो और यहाँ मम्मी के कथा चल रही है, शिव महापुराण कथा। मेकअप अभी तक रिमूव नहीं हुआ है, मेकअप तो कुछ नहीं था बस थोड़ा सा फाउंडेशन। यहाँ बच्चे सो के उठ गए थे और जिद कर रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि कल इनके सामने ही लाके रखी थी, तो मैं पहले पतिदेव जी को गई बुलाने के लिए आई भी हमारे साथ आइसक्रीम खाने आ जाओ, लेकिन वो मेरी बात तो सुनते ही नहीं। तो फिर छोटी बोल रही है कि मैं जाऊँगी बुलाने के लिए, तो चलिए चीयर्स कर लेते हैं हम सब, बच्चे भी करते हैं यार, इनको भी पता चल जाता है मोबाइल चल गया है, तो ये भी बोल रहे आ जाओ खाने के लिए आ जाओ खाने के लिए। और बहुत ज़्यादा काम था तो बस इसी वजह से वीडियो छूट छूट के ही बना पा रही हूँ, क्योंकि कपड़े कुछ ऐसे हैं जो किसी को सिलाई लगानी है, माइंड में सोचना पड़ेगा क्या पहनना है किसके साथ क्या अच्छा रहेगा, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा तैयारी में लगे हैं। तो वीडियो में अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना। और यहाँ पतिदेव जी आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए, मेरे बुलाने से नहीं आए, छोटी के बुलाने से आए, छोटी बुलाने गई थी तो फिर आए पतिदेव जी आइसक्रीम खाने के लिए। और यहाँ हमने आइसक्रीम जो कर ली है, हालाँकि मौसम ठंडा हो गया है, अभी दिन में थोड़ी सी गर्मी थी लेकिन शाम के टाइम वापस ठंडा हो गया है, और बहुत ज़ोरों से बारिश भी हुई थी रात को, तो जी हाँ अभी हो रही है रात को, क्योंकि मैं रात को ही वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ आपको। अब मुझे कपड़े की करनी है घड़ी, और मतलब कपड़े करने उधर टीवी चलते थे तरह की बात कर रही हूँ मैं, कपड़ों की करनी है घड़ी और सारी कुछ तैयारियाँ है जो भी, मतलब क्या पहनना है क्या पहनना नहीं है क्या ले जाना है साथ में, तो आज ही मैं पैक करके रख देती हूँ और मेरे भी हाथों में थोड़ा बहुत मेहंदी लगा लेती हूँ।
और कल हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए रतलाम, तो आपको भी ज़रूर ले चलूँगी। थोड़ा बहुत होगा जैसा भी सूट करके दिखाऊंगी आपको, क्योंकि कल हम सारी शॉपिंग करने जा रहे हैं दोनों तरफ से। हमें भी करनी है शॉपिंग, वो भी करेंगे शॉपिंग, तो शायद तो उनकी तरफ से भी रहेंगे लड़के वालों की तरफ से। तो हम कल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, टाइम बहुत कम है, आज के भी 4 बज गए हैं, तो मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा काम है, फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं कर देती हूँ एंड, कर लेते हैं तैयारी, कल मिलते हैं आपसे मार्केट में शॉपिंग के लिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, और पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब यहाँ से ज़रूर कर लेना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।